अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़ामिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि वज़ीर ममलिकत बराए इतलात व नशरियात फ़ारूक़ हबीब साहब को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सामने फुर्तियाँ दिखाना बहुत महंगा पड़ गया और वज़ीर आज़म साहब ने उनको जिन अरकान के सामने शर्मिंदा किया, किस बात पर किया इसके ऊपर भी बात करते हैं। ये मामला क्या था इसके ऊपर आने जा रहा हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उनसे जी फ़ारूक़ हबीब साहब ने मुलाकात करवानी थी फैसलाबाद के अरकान असेंबली की, जो कि फ़ारूक़ हबीब साहब के बारे में खबर भी आई थी कि वो फैसलाबाद की डेवलपमेंट के लिए, फैसलाबाद की तरक्की के लिए उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब से कुछ वक्त मांगा हुआ था और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब को कहा था कि वो फैसलाबाद डिवीजन के अरकान कौमी असम्बली की वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात करवाना चाहते हैं। फैज़ुल्लाह कमोका, राजा खुरम शहजाद, रज़ा नसरुल्लाह गोमन, नवाब शेर वसीर, फ़ारूक़ हबीब साहब भी उसमें मौजूद हैं। तो ये जो फैसलाबाद डिवीजन के अरकान कौमी असम्बली हैं इनकी वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात करवानी थी। उन्होंने बतौर वफाकी वज़ीर ममलिकत ये रोल प्ले करना था क्योंकि वो वज़ीर ममलिकत हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब की कैबिनेट का हिस्सा हैं। तो उन्होंने अपने अरकान कौमी असम्बली से, अपने फैसलाबाद डिवीजन के अरकान कौमी असम्बली से यह वादा किया कि वो वज़ीर-ए-आज़म साहब से उनकी मुलाकात जल्द करवाएंगे, जिस मुलाकात में अरकान असम्बली ने तरक्याती फंड्स के हवाले से, तरक्याती कामों के हवाले से, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साहब से बातचीत करनी थी। अच्छा, फ़ारूक़ हबीब साहब जो हैं वो तो पहले मिलते हैं जी फैसलाबाद डिवीजन के अरकान कौमी असम्बली से और जब वो मुलाकात करते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि घबराना नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ जो है वो मेरी दिन रात बातचीत रहती है, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब से टाइम ले लिया गया और वज़ीर-ए-आज़म साहब जब भी टाइम देंगे मुनासिब वक्त पे इंशाल्लाह हम वहाँ पर जाकर मिलेंगे, उनसे बैठकर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, फैसलाबाद की डेवलपमेंट के हवाले से और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो है वो बातचीत होगी। अब अरकान कौमी असम्बली कहते हैं कि जी वज़ीर-ए-आज़म साहब को किसी भी तरह तरक्याती फंड्स के हवाले से बात करें क्योंकि हमने अपने हलकों के अंदर जो काम करवाना है उसके लिए हमें तरक्याती फंड्स दरकार है। तो फ़ारूक़ हबीब साहब ने कहा कि जी घबराने की कोई बात नहीं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ जो है वो मेरी दिन रात बातचीत रहती है, उनके साथ मेरा कांटेक्ट है, मैं उनके साथ बराह रास्त राब्ते में रहता हूँ, आपने बिल्कुल भी इसके ऊपर परेशान नहीं होना, हम इंशाल्लाह जाएंगे, वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात के लिए वक्त मांगेंगे और जाएंगे। ले जी वज़ीर-ए-आज़म साहब से वो मुलाकात के लिए वक्त मांगा जाता है, वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो स्टाफ है उसको वो इजाज़त दे देता है कि जी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बुलाया है। उसके बाद ये अरकान कौमी असम्बली फैसलाबाद के मिस्टर फ़ारूक़ हबीब साहब, वज़ीर ममलिकत, स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, वज़ीर ममलिकत बराए इतलात व नशरियात की जो है वो उनके साथ फैसलाबाद डिवीजन के अरकान कौमी असम्बली वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात के लिए जाते हैं। अब वो जो मुलाकात थी उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उससे पहले, इस मुलाकात से पहले फ़ारूक़ हबीब साहब जो हैं वो फैसलाबाद से जब निकलने लगते हैं तो वो अपने अरकान कौमी असम्बली को इस बात का इशारा देते हैं कि जब वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जाना है, वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिलने जाना है तो वहाँ पर मेरी तारीफ भी कर देनी है कि जी फ़ारूक़ हबीब ने बड़ा ख्याल रखा फैसलाबाद की, ख़ास करके फैसलाबाद की जो डेवलपमेंट है उसके लिए फ़ारूक़ हबीब ने दिन रात जो है वो मेहनत करने की बात की। उसने कहा कि जी फैसलाबाद की डेवलपमेंट के लिए काम करवाया जाए। दूसरा, आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो मैंने तरक्याती कामों के हवाले से, तरक्याती डेवलपमेंट के हवाले से जो बात की है उसके ऊपर आपने वज़ीर-ए-आज़म साहब को कहना है कि जी फ़ारूक़ हबीब जो है वो बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एतमाद में लेने वाला बंदा है और आपने मेरी 2-3 तारीफ़ें कर देनी है वज़ीर-ए-आज़म साहब के सामने ताकि वज़ीर-ए-आज़म साहब को हो कि ये बंदा वाकई में बहुत एक्टिव है। अब ये फ़ारूक़ हबीब साहब जो हैं ये नाकाम कोशिश कर रहे थे हीरो बनने की और उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह उनको इसके जो है वो इसके 100 में से 100 नंबर मिल जाएं क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म साहब के सामने जो अपना इमेज बनाना चाह रहे हैं उसके बारे में मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि ये कहानी क्या है। अब जब ये वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात करते हैं फ़ारूक़ हबीब साहब और फैसलाबाद के अरकान कौमी असम्बली, तो उसमें सबसे पहली बात होती है कि जी डेवलपमेंट कामों के हवाले से बातचीत होती है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि जी फैसलाबाद के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट्स को पाया तकमील तक पहुंचाना है, जो तरक्याती काम करवाने हैं आप लोगों ने अपने हलकों में, जो आप MNAs ने अपने हलकों में तरक्याती काम करवाने हैं उसके हवाले से तो मैं बहुत संजीदा हूं और मैं खुद चाहता हूं कि अरकान कौमी असम्बली सूबाई असम्बली के अरकान को अपने नीचे जो MPs हैं उनको भी राब्ते में रखें, उनके साथ भी राब्ता करें और अपने हलकों में तरक्याती कामों के हवाले से एक प्लान को तश्कील दें, एक प्लान जो है उसको तश्कील दिया जाए ताकि उस हवाले से जो है वो काम करवाए जा सकें अपने हलकों में। ये वज़ीर आज़म साहब का एक बुनियादी इनिशिएटिव था उस मुलाकात के अंदर जो उन्होंने अपने अरकान असम्बली के सामने रखा कि मैं खुद चाहता हूं कि मैं डेवलपमेंट कामों के हवाले से खुद निगरानी करूं। अब जब वो बैठे हुए थे तो फारूक हबीब साहब भी बैठे और उसमें बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात हुई तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, नून लीग को हमने नॉकआउट करना है, उसके हवाले से अरकान कौमी असम्बली मुझे बताएं कि उन्होंने क्या तैयारियां की हैं। तो अरकान कौमी असम्बली का कहना था कि वज़ीर आज़म साहब जस्ट तरक्याती फंड्स जारी कर दें, तरक्याती फंड्स के मुंह खोल दें, उसके बाद आप देखिएगा कि नून लीग जो है उसको अवाम वोट नहीं देगी, क्योंकि जब लोगों को पता होगा कि हमने अपने हलकों के अंदर तरक्याती काम करवाए हैं तो उसके बाद अवाम जो है उसको ये बात मालूम हो जाएगी कि तहरीक इंसाफ जो है वो अवाम की एक बुनियादी एक वाहिद जमात है जो अवाम की फलाह व बहबूद के लिए और अवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रही है और अवाम की बेलौस खिदमत कर रही है। ये अरकान कौमी असम्बली का कहना था। अब ये फारूक हबीब साहब जो वज़ीर आज़म साहब के पास अरकान कौमी असम्बली को लेकर गए, इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये थी कि फारूक हबीब साहब खुद जो है वो अपने पेटे डाल रहे थे ये कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनको दाद पेश करेंगे, देखें जी बल्दियाती इंतखाबात भी आने वाले हैं तो फारूक हबीब जो है वो उसको जी बड़ी उसको देखें कितनी टेंशन है, उसको कितनी ज़्यादा इसके ऊपर परेशानी लाहक है कि जी बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, वो बहुत एक्टिव है ताकि वज़ीर आज़म साहब की नज़र में उनका एक अच्छा इमेज बन जाए और वज़ीर आज़म साहब कहेंगे जी देखो फारूक हबीब ने तो बहुत अच्छी बात की और वो अरकान कौमी असम्बली के साथ जो है वो बराह रास्त कॉन्टेक्ट में है। तो फारूक हबीब साहब की ये कोशिश थी कि जी वज़ीर आज़म साहब को जब ये कहा जाएगा ना कि बल्दियाती इंतखाबात भी आ रहे हैं तो तरक्याती फंड्स भी जारी कर दें, काम भी करवाए जाएंगे और फैसलाबाद के हवाले से कोई दो चार जो है वो मीठी मीठी बातें करके वज़ीर आज़म साहब के कान में वो फूके भी मार दी जाएंगी। और वज़ीर आज़म साहब वैसे भी खुशामदी लोगों को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन पता नहीं फारूक हबीब साहब के वो जो है वो उल्टा पड़ गई उनके ऊपर ये बात, और क्यों पड़ी इसके ऊपर तो मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन फारूक हबीब साहब की जो बेइज्जती हुई, जो उनकी कहते हैं ना कि सो कॉल्ड क्या कह सकते हैं कि वो शर्मिंदगी का उनको सामना करना पड़ा। ये क्यों करना पड़ा? वज़ीर आज़म साहब से जब बात हुई फारूक हबीब साहब की तो वज़ीर आज़म साहब ने पूछा अरकान असम्बली से, उनके मंसूबों का पूछा और उन्होंने पूछा वज़ीर आज़म साहब ने कि कितने जो है वो कितने अरब जो है वो लागत आ सकती है, कितने पैसे लग सकते हैं फैसलाबाद की डेवलपमेंट के लिए। अरकान कौमी असम्बली से पूछा कि आप लोगों के हलकों के लिए जो काम होना है उसके वाले से कितने पैसे लग सकते हैं, कितना को खर्चा आ जाएगा। लो जी जब वो कैलकुलेट किया गया ना सारा कुछ वज़ीर आज़म स्टाफ की जानिब से तो पता लगा कि जी 1000 अरब रुपया फैसलाबाद की डेवलपमेंट के ऊपर लगना है। सिर्फ 1000 अरब रुपया नहीं बल्कि ये बहुत बड़ी रकम है, खतीर रकम है। 1000 अरब रुपया सिर्फ फैसलाबाद की डेवलपमेंट के ऊपर लगना है तो पूरे मुल्क की डेवलपमेंट के ऊपर क्या लगना है ये खुद अंदाजा लगा लें। जब ये सारा कुछ कैलकुलेट हुआ तो वज़ीर आज़म साहब ने अरकान कौमी असम्बली के सामने बैठकर फारूक हबीब साहब को बेइज्जत कर दिया और कहा कि तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो, तो मुझे पागल समझते हो कि फैसलाबाद की डेवलपमेंट के लिए 1000 अरब रुपया लगना, तो मुझे कह रहे हो कि जी ये तो कोई पैसे ही नहीं है। फारूक हबीब साहब ने कहा ये तो कोई रकम नहीं है वज़ीर आज़म साहब, ये तो कोई। वज़ीर आज़म साहब ने जब ये सुना वज़ीर आज़म साहब कहते तुम हाजिर हो, तुम्हारा दिमाग हाजिर है, तुम सोच समझ कर बात कर रहे हो। और अरकान कौमी असम्बली को भी कहा कि तुम लोग किन जो है वो हवाओं में चल रहे हो, तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो कि फैसलाबाद की डेवलपमेंट के लिए मैं 1000 अरब रुपया तुम लोगों को जारी कर दूंगा। क्या तुम लोग अपनी सांसेस में हो? क्या तुम लोग का दिमाग काम करता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो? ये जब बात वज़ीर आज़म साहब ने की तो उन्होंने बड़े सीखपा हुआ और उन्होंने कहा कि तुम लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो कि फैसलाबाद की डेवलपमेंट के लिए 1000 अरब रुपया तुम लोगों की नज़र में छोटी रकम है, इसमें तो मुल्क जो है आधा मुल्क चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो तुम लोग 1000 अरब रुपए की जो है वो बात कर रहे हो। जब ये सारा कुछ कैलकुलेट हुआ तो पता चला कि जी ये सारा वो फारूक हबीब साहब बैठे हुए थे एक एक चीज बता रहे थे, इतने पैसे इधर लग जाएंगे, इतने पैसे इधर लग जाएंगे। तो वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी बेइज्जती की फारूक हबीब साहब की। उन्होंने कहा कि तुम्हें तो स्टेट मिनिस्टर बनाया, वज़ीर मुमलिकत बनाया, तुम अपने होशो आवाज में आओ, तुम देखो कि तुम बात क्या कर रहे हो। कि 1000 अरब रुपया भाई अगर फैसलाबाद की डेवलपमेंट के लिए लगाना है तो फिर पूरे मुल्क के ऊपर जो मैंने तरक्याती कामों के जाल बिछाने उसके लिए मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा, किससे जाके भीख मांगूंगा, किसके सामने जाके पैसे की दरख्वास्त करूंगा कि जी मुझे पैसा दिया जाए। वज़ीर आज़म साहब ने कहा तुम लोग अपने होशो आवाज में नहीं हो। उन्होंने कहा कि मैं खुद फैसलाबाद आऊंगा, खुद फैसलाबाद आकर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की निगरानी करूंगा, तरक्याती कामों की खुद निगरानी करूंगा, देखूंगा कि ये जो 1000 अरब रुपया तुम लोगों की नजर में कोई रकम नहीं है, ये तुम लोग सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो या मुझे लग रहा है कि तुम लोग मुझे मामू बनाने की, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। जिसके बाद फारूक हबीब साहब चुप और वो नीचे नजरें नीचे करके वो वज़ीर आज़म साहब के सामने उन्होंने आंखें नहीं उठाई। अरकान कौमी असम्बली फारूक हबीब साहब का मुंह देख रहे थे कि ये फारूक हबीब साहब जो हमें वहां पर जाकर तो बड़ी तमहीद पढ़ा रहे थे फैसलाबाद में रास्ते में निकलने से पहले कि जी वज़ीर आज़म साहब जो है उनसे मुलाकात होगी तो जी सारा कुछ होके हो जाएगा, तो अब जब लेकर आए हैं तो अब यहाँ पर भरे इजलास में हमारी बेइज्जती हो गई है, हमारी भी हो गई है, खुद की भी हो गई है। तो वो है ना वो क्या कहते हैं उसको, जिस तरह की फाइनेंशियल कंडीशन है इस वक्त, आपको पता है कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जो हमारी कंडीशन है उसके ऊपर तो लोग वैसे भी मजाक उड़ाएंगे हमारा कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो यार, 1000 अरब रुपया तुम लोगों की नज़र में कुछ भी नहीं है। तो ये बड़े इजलास में बेइज्जती हो गई अपने ही वजीर की, वज़ीर आज़म साहब के हाथों, और फैसलाबाद की डेवलपमेंट के लिए 1000 अरब रुपया जो बड़ी खतीर रकम है, बहुत बड़ी रकम है, अगर ये अरकान असम्बली की नज़र में और वज़ीर ममलिकत की नज़र में कोई बड़ी रकम नहीं है। तो वज़ीर आज़म साहब की ये बात तो बिल्कुल बजा है कि 1000 अरब रुपया अगर फैसलाबाद की डेवलपमेंट के ऊपर ही लगाना है, अगर पूरे फैसलाबाद शहर के ऊपर भी लगा दें तो पूरे मुल्क के ऊपर क्या पैसा लगाएंगे, ये सोचने की बात है। 1000 अरब रुपया, इसमें आधा पाकिस्तान जो है वो चल सकता है। अब कैसे चल सकता है ये वज़ीर आज़म साहब ने बात की, लेकिन मैं नहीं समझता कि इतनी डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा दरकार होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लिहाजा फारूक हबीब साहब की जो इंसल्ट हुई है इन फ्रंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली, वो बहुत ज़्यादा जो है वो उनके लिए परेशान कौन है, और उनको सोचना चाहिए कि जब वो बात कर रहे थे वज़ीर आज़म साहब के सामने तो उन्होंने ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में की, ये बात एज अ पहेली छोड़ी या एज अ हकीकत के तौर पर बयान की, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा, बेइज्जती करके उनकी शर्मिंदगी करके उनको कहीं का नहीं छोड़ा। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।